स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल किरण पूनिया. लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी विद स्माइली फेस एंड फ्रेश माइंड. टूडे वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, तभी आप प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, तो जो अंदर की साइड के एंगल होंगे वो इंटीरियर होंगे. जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये ट्रायंगल के अंदर है ना, अंदर की साइड है, तो ये इंटीरियर एंगल बनेंगे. और एक्सटीरियर होता है आपका बाहर, बाहर की साइड जो एंगल होगा उस ट्रायंगल से बाहर का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल. जैसे यहाँ पे ये एंगल 3 है, ट्रायंगल तो आपकी यहीं पे कंप्लीट होगी बट ये इसके बाहर की साइड बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट साइड. जो एक्सटीरियर एंगल होता है इसके अपोजिट जो दो साइड होंगी ना, इसके अपोजिट जो एंगल होंगे उसके सम के इक्वल होता है. जैसे ये एक्सटीरियर है, अब देखो इसके अपोजिट ये और ये दो एंगल बनेंगे ना, तो इन दोनों का सम, इंटीरियर के इन दोनों का सम इस थर्ड के इक्वल होगा. अगर आपसे ये पूछा जाए एंगल 3 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 3. एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इंटीरियर इसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल होंगे ना उसके सम के इक्वल होगा. ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. ये आपकी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स. हमें पता, ये जो अननोन इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है एक्स, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट. अब ये 50 डिग्री गिवन है, ये 70 डिग्री, ये दोनों है इंटीरियर एंगल और ये एक्स आपका बाहर की साइड है, तो ये एक्स हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल. अभी अभी आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके अपोजिट जो दोनों इंटीरियर एंगल होंगे उसके सम के, मींस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री 120 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 120 डिग्री. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी हमारी, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इक्वल होता है इन दोनों के सम के. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसके इंटीरियर एंगल है एक्स एंड 50 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री. तो आपको क्या पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम, इंटीरियर है एक्स एंड 50 डिग्री, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा आपका. किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के. और आपको एक्स की ही वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 110, ये 50 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा. 110 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो ये जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, 60 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी क्या बताती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम होगा अंदर के जो दो इंटीरियर एंगल होंगे ना, अपोजिट इंटीरियर एंगल, उसके इक्वल होगा. ठीक है, थैंक यू क्लास.